जनगणना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगले साल यानी 2025 में जनगणना हो सकती है जो कि 2026 तक चलेगी। पर अभी इस पर सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वैसे भारत की आज़ादी के बाद से अभी तक हर दशक की शुरुआत में जनगणना करवाई जाती थी, पर साल 2021 में कोविड महामारी की वजह से इसे निरस्त कर दिया गया। यहाँ ये बात जान लेना भी जरूरी है कि लोकसभा सीटों का परिसीमन भी जनगणना के बाद ही करवाई जा सकेगी, जिसे साल 2028 में कराया जाएगा। हाल के वर्षों में विपक्षी दलों की तरफ से सरकार पर यह दबाव भी बनाया जा रहा है कि देश में जातिगत जनगणना भी करवाई जाए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन विपक्ष की ओर से जातिवार जनगणना को तूल देने की वजह और एनडीए के घटक दलों को एक रखने के नजरिए से केंद्र की मोदी सरकार जातिवार जनगणना पर भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि इससे सभी धर्मों की आबादी में मौजूद जाति व्यवस्था की जड़ों का पता चल सकेगा, जिसका परिणाम आरक्षण और केंद्र की अलग अलग योजनाओं पर भी पड़ सकता है। देश में अगली जनगणना की खास बात यह है कि इस बार पहली बार जनगणना से जुड़े आंकड़े डिजिटल तरीके से जुटाए जाएंगे, जिसके लिए अलग पोर्टल बनाया गया है। साथ ही जातिवार जनगणना होने की स्थिति में पहली बार मुसलमानों और अन्य मतों के अनुयायियों की भी जातियां गिनी जा सकती हैं। इतिहास में भारत में पहली बार जनगणना 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। 1881 में भारत की पहली संपूर्ण जनगणना आयुक्त WC फ्लोडेन के द्वारा करवाई गई थी। इसके बाद यह हर 10 साल में एक बार होती आ रही थी। हालांकि कुछ एक बार इसमें गैप भी देखा गया। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। इसके बाद भारत में कुल 6 बार जनगणना की गई।